महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ते हुए भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से घायल होकर वीरगति को प्राप्त हुए थे, लेकिन जब वे बाण से घायल हुए तब सूर्य दक्षिणयान में था। शास्त्रों के अनुसार जो लोग उत्तरायण में अपने प्राण त्यागते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। यही कारण था कि भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया। दरअसल भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, वे जब चाहे अपने प्राण त्याग सकते थे। भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से जख्मी हो गए थे। बाणों से भिन्ने होने के बाद भी उन्होंने अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा की। 58 दिन तक वे शरशय्या पर थे और अपने जीवन के हर एक श्वास को तोलते हुए सूर्य के दक्षिणयान से उत्तरायण होने का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पांचों पांडवों को देखते हुए जीवन का आखिरी उपदेश भी दिया और संसार के कल्याण के लिए वरदान भी मांगा। इसके बाद जब सूर्य की राशि में परिवर्तन हुआ तो आकाश की ओर एक तक देखते हुए भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे और उनके प्राण ने देवलोक की राह ली। यही कारण है कि महाभारत के अंतिम अध्याय का यह प्रसंग, जिसमें भीष्म पितामह के प्राण त्यागने का उल्लेख किया गया है, यह भारतीय प्राचीन परंपरा में शुभता का प्रतीक बन गया है और इस कारण मकर संक्रांति के दिन यानी उत्तरायण के दिन को नव चेतन के पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।